इस सरकार द्वारा जो लोग कई सदियों को अपना पूर्व निकाली रहते आ गए और पूरे पूर्वज रहते आ गए उन्हें ये तो एकदम से जम्मू कश्मीर जितना भी लोग सारे जम्मू कश्मीर को लेकर आज हर डिस्ट्रिक्ट का लेकर हर जगह के और मेरा प्रमाण है मेरा कहना नहीं तो आसान सरकार रहेगी और बहुत बड़े आंदोलन के लिए सरकार भी जुटाएगी क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय और उसे अपने हाथों से मेहनत करके रोटी कमाने का हक है और उसे अपने खानदान अपने बच्चों को पालने का हक है। ये कौन सी सरकार है जो हमें रहने से हमें बेघर कर रही है? क्या ये सरकार जनता को इतना झूठा समझती है? क्या जनता इतना झूठ बोल रही है कि वो अपने हक से ज्यादा कोई कदर गंजी कर रही है? उन्होंने जो काम किया है वो उस वक्त की सरकार के सामने किया है, सरकार को पूछ कर किया है और सरकार लोगों की सेवक होती है, सेवक लोगों की नौकर होती है। उस सरकार ने जम्मू में पिछले 50-60 सालों में 20 कॉलोनियां रेगुलराइज की हुई हैं। हमने देखा है कृष्णा नगर साइंस कॉलेज के सामने क्या था, हमने देखा है न्यू प्लांट क्या था, हमने देखा है सैनिक कॉलोनी क्या थी, हमने देखा है रूपनगर क्या था, न्यू प्लांट क्या था। आज सब वो रेगुलराइज बनी हुई है। ये लोग ये क्यों नहीं ऐसे करते, ये ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर किसी ने गार्ड डाल लिया तो आप रेगुलराइज कर दो, उनको नोटिस दो, अगर उसने पैसे कम खर्च किए हैं तो थोड़े पैसे ले लो और सरकार सब किसी का घर ना उजाड़े। जे हमारी पुरजोर आज इस हालत में जनता पहुंची है कि वो बच्चों को बेघर देख नहीं सकती है और कल को अगर कोई जनता का गुस्सा फूटेगा तो उसकी जिम्मेवार जे एलजी सरकार होगी। इसलिए हम सब कठुआ से लेकर पुंछ तक, किश्तवाड़ तक, डोडे तक और कश्मीर तक जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी, जिसको बेघर किया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। जय इंसानी एकता है, धन्यवाद। उसका कारण ये था कि महाराजा से लेकर जो डेमोक्रेटिक सरकार हमारी संताली में आई, उन्होंने सबसे पहले लोगों को घर की जगह दी। उन्होंने लोगों को कहा कि जहाँ खाली जगह मिलती है इसे आबाद करो, इसे खेती बाड़ी में इस्तेमाल करो, इसे घर बनाने में इस्तेमाल करो और ग्रो मोर फूड और ज्यादा अनाज पैदा करो और आराम से रहो। आज इसी कारण जम्मू कश्मीर में कोई आदमी तरपाल की झोंपड़ी लगाकर नहीं रह रहा था, लेकिन ये मंजूर इस सरकार को पता नहीं क्यों, हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार हमें कहती है कि हमने जे हमारा जिगर है, ये हमारा दिमाग है। हम कहते हैं ये जिगर भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, ये इन्होंने हमें जागीर का टुकड़ा बना दिया है, एक जागीर का टुकड़ा बना दिया है और उस जागीर को काट काट कर खा रहे हैं। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इनको पसंद नहीं, हमारी जमीन खाली पड़ी हुई जो इनको पसंद नहीं। आखिर इतना झूठ क्यों है, इतना झूठ क्यों है, इस सरमायादारी सरकार का इतना लालच क्यों है? जो कॉरपोरेट सरकार ने सिखाया ही ऐसा है कि जो कुछ है जनता से छीनो छीनो और एक जगह जमा करते चलो। इसलिए हम इसको बिल्कुल मजम्मत करते हैं।